Hey guys, welcome in my YouTube channel 56 Tutorials for Physics by Engineer Saurabh Srivastav. आज हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कितना वर्क होगा. तो गिवन क्या क्या है अपन को, गिवन है डाइपोल मूवमेंट. क्या है वो, जो दोनों पोल होते हैं, दोनों पोल मतलब प्लस माइनस चार्जेस, इनका जो मूवमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट. पार्ट फर्स्ट में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. और दूसरी चीज अपन के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है. ओके, तो डेराइव करते हैं इस रिलेशन को. सबसे पहली बात, हमने पढ़ा है क्या, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट यहाँ ये अलाउ नहीं होगा, क्यों, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर नहीं है. तो फिर कौन सा है, एंगुलर है. डाइपोल कौन सा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है. कौन सा मोशन करता है, रोटेशनल. और जो जहां पे रोटेशनल मोशन होता है वहां हम वर्क डन को क्या लिखते हैं, टॉर्क इंटू थीटा. जहां थीटा क्या है बेटा, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल. थीटा वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. क्या है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो अब फॉर एक स्मॉल रोटेशन के लिए, जो हमारा अगर हम इसको ऐसे घुमाएं डाइपोल को, ब्लू मार्कर मान लिया डाइपोल है, तो ये पहले डी थीटा घुमा, फिर कितना घूमेगा डी थीटा, फिर कितना घूमेगा डी थीटा. तो ऐसे में ढेर सारे डी थीटा मिलेंगे और इन डी थीटा को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. ऐड करने का मतलब हो गया इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. कहां से कहां तक घुमा रहे हैं डाइपोल को, थीटा वन से थीटा टू तक. कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू तक. तो कैलकुलस मेथड से देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा वर्क डन आ रहा है डाइपोल को घुमाने में वो कितना हो रहा है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया टाऊ डी थीटा. तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल. ये क्या है, कौन सा है वर्क डन हमारा, वर्क डन इन रोटेशन. और टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा भैया, कहां से कहां तक घुमाने हैं हमें, वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू. ये हो गया डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेट कर दो क्या मिलेगा, डब्ल्यू. आगे लिखते हैं इसको, पहले इसको देखिए, ये हो गया हमारा टाउ डी थीटा. थीटा वन से घुमाना शुरू करेंगे थीटा टू तक. ओके, मतलब लोअर लिमिट थीटा वन और हायर लिमिट क्या हो गई, थीटा टू. बट हम जानते क्या हैं, जानते हैं टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा. वही जो आपको गिवन था, डाइपोल मूवमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. तो भैया अगर थीटा चेंज होगा तो टाउ भी चेंज होगा, इसीलिए कैलकुलस मेथड लिए. इसीलिए कौन सा मेथड लिया, कैलकुलस मेथड. तो यहां इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, डब्ल्यू, और ये कितना हो जाएगा पीई साइन थीटा. क्या आ जाएगा, पीई साइन थीटा, थीटा वन से थीटा टू तक. देखिए ये जो P है और ये E है, ये कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा विद इन लिमिट थीटा वन से थीटा टू. साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा डी थीटा, यहाँ डी थीटा भूल गए थे, ये होता है माइनस का कॉस थीटा. तो माइनस कॉस थीटा से ये हो गया हमारा पी ई और इंटीग्रेशन माइनस का सॉरी कॉस थीटा थीटा वन से थीटा टू तक. अब इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ एक लाइन और लिखते हैं. पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए पीई और ये माइनस का कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा वन. इरेज कर देते हैं इसे, कॉस थीटा वन कितना आ गया हमारा, कॉस थीटा वन. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पीई और ये हो गया कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. इस प्लस को पहले और इस माइनस को बाद में. आपको पता होगा ये हो गया हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आपको पता होगा
कि जो हम वर्क करते हैं, रोटेट कराते हैं अगेंस्ट द किसी के करते हैं, वो वर्क हमारा पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है. किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल में. तो दिस वर्क डन कैन बी रिटन एज पोटेंशियल, कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. तो वो कितनी होगी बेटा? इसको लिखोगे यू इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन से कॉस थीटा टू तक माइनस कॉस थीटा टू. दोनों की यूनिट क्या है? जूल है. वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों की यूनिट क्या है? जूल है. अब एक काम करते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल या रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो चेक करते हैं. पहला, मान लो डाइपोल को फॉर रोटेशन, फॉर रोटेशन जीरो जीरो डिग्री टू थीटा डिग्री, मान लो कहां से कहां तक रोटेट कराते हैं? जीरो से लेके थीटा तक. तब वर्क कितना होगा? डब्ल्यू इक्वल टू पी ई, और ये कॉस थीटा वन मतलब हो गया कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा टू कॉस थीटा. कॉस जीरो मतलब वन होता है, क्या हो गया? वन. तो पी ई ये हो गया वन माइनस का कॉस थीटा. ये आ गया हमारा क्या? वर्क डन. कब? जब इसको जीरो से कहां तक घुमाएंगे? थीटा तक. सेकेंड, मान लेते हैं कहां से कहां तक घुमा रहे हैं इसको, जीरो से जीरो टू 90 डिग्री. तो कॉस थीटा वन कितना हो जाएगा? जीरो. और कॉस 90 कितना हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा टू. देखिए यहाँ पे फॉर रोटेशन 0 टू 90 डिग्री, मतलब थीटा वन कितना हमारा? 0 डिग्री. तो W इक्वल टू हो गया पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री. कॉस 0 मतलब होता है 1. क्या होता है? कॉस 0 मतलब होता है 1. तो कॉस 0 मतलब 1 और कॉस 90 मतलब क्या हो गया? 0. तो ये कितना हो जाएगा? W इक्वल टू पी ई. तो वर्क हमारा क्या आ गया? पी ई, इतना जूल. ओके, थर्ड केस कंसीडर करते हैं. फॉर रोटेशन 0 डिग्री टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? W इक्वल टू पी ई. देखिए cos 0 मतलब 1 और माइनस माइनस प्लस 1, कितना हो गया? 2 पी ई. तो वर्क कितना आ गया बेटा? 2 पी ई. तो ये तीन इसकी अलग अलग कंडीशन थी जब हम डाइपोल को रोटेट कराते हैं. क्या कराते हैं? रोटेट कराते हैं. ओके, अच्छा, जब टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, आपने पढ़ा है यहाँ पे, जब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है. थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 0 डिग्री होता है. तो कौन सा इक्विलिब्रियम मिलता है हमको? स्टेबल. कौन सा इक्विलिब्रियम मिलता है हमको? स्टेबल. और जब थीटा इक्वल टू होता है 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू जब होता है 180 डिग्री, तो हमें कौन सा वो मिलता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. कौन सा मिलता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक, आगे नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ.